दोस्तों आज से 33 वर्ष पहले जब रामायण शुरू हुआ तो किसी ने सोचा नहीं था कि यह सीरियल टीवी इतिहास का सबसे अधिक देखा जाने वाला सीरियल बन जाएगा। 33 साल बाद फिर से आज कोरोना महामारी के चलते और जनता की मांग पर रामायण सीरियल का फिर से प्रसारण शुरू किया गया। सीरियल इतना हिट हो रहा है कि दूरदर्शन ने TRP के सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए हैं। आज की युवा पीढ़ी भी इसे खूब पसंद कर रही है। लेकिन आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि रामायण सीरियल से एक आम इंसान क्या सीख सकता है। रामायण सीरियल को ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि रामायण के सारे चरित्र अपने धर्म का पालन करते हैं। राम एक आदर्श पुत्र हैं। पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। पति के रूप में राम ने सदैव एक पत्नी व्रत का पालन किया। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को हेय समझते हैं। विलक्षण व्यक्तित्व है उनका। वे अत्यंत वीरवान, तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजा वत्सल, शरणागत को शरण देने वाले, सर्व शास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न है। माता सीता का पतिव्रत महान है। सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकरा करके वे पति के साथ वन चली गई। क्या आज के कलयुग में इस तरह की बात संभव है? रामायण भाइयों के बीच प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। जहां बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं, वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कौशल्या एक आदर्श माता है। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर भी उतनी ही ममता रखती हैं जितनी की अपने पुत्र राम पर। मंथरा जैसे लोग कैसे एक हंसते खेलते प्रेम भरे परिवार को एक ही रात में तहस नहस कर सकते हैं? किसी भी इंसान के मन में अगर जहर भर दिया जाए तो वो हमेशा ही गलत मार्ग पर चलेगा। ये सीख आप मंथरा जैसे लोगों से सीख सकते हैं जो आज के कलयुग में भी देखने को मिल जाएंगे। हनुमान एक आदर्श भक्त हैं। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान मिला था। रावण के चरित्र से यह सीख मिलती है कि अहंकार नाश का कारण होता है। अहंकार में पला इंसान अपने समक्ष किसी भी इंसान की नहीं सुनता, चाहे वो विभीषण जैसा ज्ञानी ही क्यों ना हो। अगर देखा जाए तो रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसे उसके अहंकार ने ही मार डाला। विभीषण से आप यह सीख सकते हैं कि आप भले ही किसी ऐसे परिवार में जन्म लिए हो जहां पे लोग एक दूसरे को मार काट या गलत नीति या अहंकार में पले बड़े हो, लेकिन उनके बीच रह के भी आप विभीषण जैसे ज्ञानी और सत्य के मार्ग पर चलने वाले बन सकते हैं। रामायण के चरित्रों से सीख लेकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। रामायण से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने धाम, कर्म, प्रतिज्ञा, कर्तव्य एवं सत्य मार्ग से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे और भी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।